फाइव प्रूवन स्ट्रेटेजीज अपनी मसल को बिल्ड करने के लिए। देखो, मसल बिल्ड करने के लिए दुनिया भर के तौर तरीके, डू एंड डोंट्स, हर कोई लिटरली हर जगह फेंके जा रहा है। लेकिन अगर इसे सिंपल और बेसिक ग्राउंड पे लेके जाएं, तो क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे आपका मसल ग्रोथ होने से कोई नहीं रोक सकता? ऑब्वियसली आपके सिर्फ खुद। तो चलो देखते हैं पांच स्ट्रेटेजीज जो मसल बिल्ड करने के बेसिक्स और नेसेसिटीज हैं। और हाँ, लास्ट में मेरा अपना फेवरेट है जो कि मैं अपने क्लाइंट्स को बताता हूँ और उन पे अप्लाई। तो सबसे पहली स्ट्रेटेजी है प्रोग्रेसिव ओवरलोड, जहां आप अपने जिम में स्ट्रेस को, वो वाला स्ट्रेस नहीं, नॉटी नॉटी, यू टीजिंग मी, यू नॉटी नॉटी, मसल पे जो स्ट्रेस डालते हैं एक्सरसाइज करते हुए, उसको ग्रेजुअली बढ़ाते चले जाते हो। सिंपल वर्ड्स में, आप अपने आप को, अपनी मसल्स को जिम में हर रोज चैलेंज करते हो, कभी वेट बढ़ा के, कभी सेम एज लास्ट वीक जितने वेट से एक्स्ट्रा रैप्स निकाल के। और जब ये दोनों ना बढ़ा पाओ तो एक एक्स्ट्रा सेट डालते हैं, क्योंकि वॉल्यूम इज स्टिल द किंग। ध्यान रखना, आपकी मसल्स को पुश चाहिए ग्रो करने के। अगली स्ट्रेटेजी क्वाइट ऑब्वियस, प्रॉपर न्यूट्रिशन। अब मसल्स जिम या वर्कआउट के टाइम ग्रो नहीं करते, उनके लिए भी सेम रूल अप्लाई होता है जो कि आपके एब्स के लिए कहा जाता है कि एब्स ग्रो इन द किचन। वैसे ही मसल्स भी किचन में ग्रो करते हैं। मतलब यही कि अपनी मसल्स को प्रॉपर मेहनत लेके उसको उसके हिसाब से न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करो, ताकि वो रिपेयर और रीबिल्ड होके ग्रो कर सके। एक बैलेंस डाइट जो कि प्रोटीन में रिच हो, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हो, हेल्दी फैट्स हो, जो कि आपकी ओवरऑल रिकवरी और बॉडी को सपोर्ट करे। ऑल्सो पानी पीना मत भूलो। अब न्यूट्रिशन जितनी ही ऑब्वियस स्ट्रेटेजी है, रेस्ट। अब मानो या ना मानो, आपको 7 से 8 घंटे सोना बहुत जरूरी है मसल को रिपेयर और रीबिल्ड करने के लिए, ताकि वो ग्रो कर सके। और रेस्ट सिर्फ सोने पे ही खत्म नहीं होता, आपके वर्कआउट्स में भी इतना गैप या रेस्ट होना चाहिए कि आपकी मसल्स रेडी हो, रिकवर्ड हो अगले वर्कआउट या चैलेंज को फेस करने। इसीलिए गेट प्लेंटी एंड प्लेंटी ऑफ स्लीप। अब आते हैं नेक्स्ट स्ट्रेटेजी, जिससे बहुत से लोग डिसएग्री कर सकते हैं और काफी लोगों को ये बात चुप भी सकती है, वो है चूज मशीन्स ओवर फ्री वेट्स। अब अगर आपका गोल पावर लिफ्टिंग या स्ट्रेंथ कॉम्स है, देन गो फॉर इट। लेकिन अगर आप सीरियसली मसल बिल्ड करना चाहते हैं, हाइपरट्रॉफी आपका फोकस है, आप कॉम्पिटिशन्स लड़ना चाहते हैं, यू वांट टू लुक गुड, देन चूज मशीन्स ओवर फ्री वेट्स। अब मैं ये नहीं कह रहा कि फ्री वेट्स बिल्कुल ही अपने वर्कआउट से हटा दो, दोनों का मिक्सचर रखो, लेकिन जहाँ स्टेबिलिटी की बात आती है और सिर्फ गोल मसल बिल्डिंग हो, देन मशीन्स आपकी स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करती है, क्योंकि मशीन्स में फिक्स रेंज ऑफ मोशन होता है, जिससे इंजरी का रिस्क भी मिनिमल रहता है, और जो कि एक्चुअली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए भी अच्छा है, अपने बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करने के। मशीन्स पे टारगेट मसल का फोकस भी ज़्यादा होता है, क्योंकि मशीन डिज़ाइन की गई होती है स्पेसिफिक मसल ग्रुप को आइसोलेट करने के, जिससे आप अच्छे से माइंड मसल कनेक्शन बना पाते, जो कि बिगिनर्स के लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है। अगर आप इंटरमीडिएट और एडवांस ट्रेनर हो, देन यू कैन गो फ्री वेट, नो वरी। और तो और, मशीन्स पे आपकी फॉर्म के ब्रेकडाउन के चांसेस भी कम हो जाते हैं, मीनिंग आपके लिए फॉर्म को मेंटेन करना और आसान हो जाता है, क्योंकि मशीन्स बेटर सपोर्ट और गाइडेंस प्रोवाइड करती है आपको कोई मूवमेंट परफॉर्म करते। और फिफ्थ स्ट्रेटेजी कंसिस्टेंसी, जो कि मेरी अगली सीक्रेट टिप से लिंक्ड अप। अब मसल बिल्डिंग कोई मैराथन नहीं है या रातों रात बनने की बात नहीं है, ये प्रोसेस अच्छा खासा टाइम लेता है। तो सबसे पहले शॉर्टकट्स देखना या ढूंढना छोड़ो, और अपने वर्कआउट्स में, रूटीन में, अपनी डाइट में, अपने मील प्लान्स में, अपने रेस्ट में कंसिस्टेंसी लाने का एम करो। याद रखो, चाहे जो करो, कंसिस्टेंसी हर चीज की। और यहीं आती है मेरी सिंपल बट सबसे इफेक्टिव टिप, जो कि मैं अपने क्लाइंट्स को बताता हूँ स्पेसिफिकली जो कि फैट लूज कर रहे हैं या अपने बिजी लाइफस्टाइल से फाइट कर रहे हैं। जस्ट शो अप, शो अप एवरी डे, चाहे जो हो जाए, आपने बस जिम जाना। माना कई बार अपने आप को बेड से उठाना, सर्दी है, थका हुआ हूँ, अभी थक के काम से आया हूँ, दिन बिजी था, बेकार था, अपने आप को सोफे से उठाना भी एक बहुत बड़ा स्टेप है। तो बस ये दिमाग में रखो कि जस्ट शो अप, एज सिंपल एज दैट। और ये थी स्ट्रेटेजीज अपनी मसल ग्रोथ को मैक्सिमाइज करने की। अपने रूटीन में इनको जरूर डालना और रिजल्ट ऑटोमेटिकली आते हुए देखो। अपने क्वेश्चंस कमेंट्स में ड्रॉप कर देना अगर कुछ क्लियर ना हो तो, और अगर याद नहीं है तो याद दिला दूं, वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर करना होता है और पोस्ट के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना होता है। इस इन्फॉर्मेशन को पहले रिसीव करने के लिए बेल आइकन भी दबाना होता है। नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक को कवर करवाना चाहते हो कमेंट्स में बता देना। पीस आउट।